नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज भोजपुरी। आइए इस सुबह की पांच बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर रहे हैं, खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि सबसे पहली खबर आ रही है वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के कद बढ़ने से तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि सरफ मलाह के नाम से जाने जाने वाले मुकेश सहनी की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, उसको देखते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी परेशान है, क्योंकि तेजस्वी यादव को लगता है कि अगर निषादों का सारा वोट अगर मुकेश सहनी के पाले में चला गया तो उनकी पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। नीतीश कुमार की तबीयत में सुधार, 4 दिसंबर को लगेगा जनता दरबार, राजगीर महोत्सव का समय हो गए थे बीमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार फिर शुरू हो रहा है। राज्य का आम आवाम की समस्याओं के समाधान के लिए नीतीश कुमार जनता दरबार में लोगों के बीच उपलब्ध होते हैं। 4 दिसंबर को नीतीश कुमार जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैबिनेट विभाग ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। लालू तेजस्वी करा रहे हैं बिहार का सभी 40 लोकसभा सीटों पर सर्वे, एजेंसी बताएगी आरजेडी कांग्रेस जदयू लेफ्ट आखिर कहां से लड़े। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद ने बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों पर अपनी और इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों की स्थिति जानने के लिए सर्वेक्षण शुरू करा दिया है। यह सर्वेक्षण इस बात को लेकर हो रहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस, राजद, जदयू और लेफ्ट को किन किन सीटों से लड़ना चाहिए। सर्वेक्षण के लिए एक एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सर्वेक्षण के दौरान जाति गणना, पिछड़े वर्ग के लिए बढ़ाए गए आरक्षण पर भी फीडबैक लिया जा रहा है। सोनपुर मेला बंद रहेगा, थिएटर सर्कस को भी नहीं मिला लाइसेंस, 7 किलोमीटर दूर रोकी जा रही है गाड़ियां। बिहार के विश्व प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला में आए व्यापारी और कारोबारी पूरी तरह से परेशान हैं। पूर्णिमा के अवसर पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसका उद्घाटन किया था। 7 दिन बीत जाने के बाद भी यहां आए कारोबारियों को लाइसेंस नहीं दिए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। सोनपुर मेला के प्रति सरकार का सौतेला व्यवहार और प्रशासन की ओर से मेला क्षेत्र में व्याप्त कुव्यवस्था के विरोध में शुक्रवार को सोनपुर के चिड़ैया मठ पर थिएटर संचालकों, ग्रामीणों एवं व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई। 5 दिसंबर को आ रहा है भयंकर चक्रवाती तूफान, इन राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी जारी हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बंगाल की दक्षिणी पश्चिमी खाड़ी के ऊपर दबाव का क्षेत्र तेज हो गया है। यह पिछले 6 घंटों में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। 1 दिसंबर को रात 11 बजे तक अवसाद के केंद्र की पहचान पुंडुचेरी से लगभग 630 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में की गई थी। IMD की नई चेतावनी के मुताबिक इस प्रणाली के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते रहने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें बिहार में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की जा रही है कि बिहार में भी भारी बारिश हो सकती है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।